नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे को लेकर विधायक अमित मंडल से बात करने जा रहे हैं, हमको उसमें शर्म भी लग रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी शादी हुई है। तो इनके सास ससुर, इनकी वाइफ, साला साली से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, कृपया इसको स्क्रॉल कर दे ऊपर की ओर, ठीक है। हालांकि हम सेल्फ डिक्लेयर्ड देवर के तौर पे भाभी को रिक्वेस्ट भी भेजे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। खैर, वो तो हम बाद में फरिया लेंगे। आप लोग मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे थे बलात्कार, लड़की तो उल्टा बीजेपी पे आरोप लगा रही है। नहीं देखिए, ये किस प्रकार आप बोल रहे हैं कि बीजेपी पे आरोप लग रहा है ये नहीं पता, लेकिन हम लोगों की हमेशा सैद्धांतिक लड़ाई होती है और सैद्धांतिक लड़ाई में हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जब जनता ने हमें चुना और युवाओं का भी भरपूर समर्थन रहा, युवाओं ने नौकरी की मांग की थी, उन्होंने आप बलात्कार का आरोप लगा रहे थे उन पे। 2013 में सीएम थे तो बलात्कार किया था, यही बोल रहे थे। अब तो लड़की वीडियो जारी करके कही है कि आप लोग जान से मार रहे थे, पिस्टल सटा के ये सब बयान दिलवाए हैं। नहीं देखिए, उसमें जो भी है उसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है या फिर भाजपा को लगता है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से कुछ गलत हुआ, तो मुझे लगता है कि सबकी सीबीआई जांच होके दूध का दूध पानी का पानी कर लेना चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल मामला खत्म हो जाए। और मुझे नहीं लगता है कि जांच में किसी को कोई परहेज है। लेकिन आप लोग बिलो द बेल्ट राजनीति करते क्यों हैं? जेएमएम तो यही पूछ रही है ना, आज तो आप लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कहीं। देखिए, हम लोग कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं किसी के ऊपर, और जब मुख्यमंत्री जी वो चुने गए हैं तो वो सिर्फ मेरे या फिर सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री नहीं, वो जनता के मुख्यमंत्री है और उनके पद का सम्मान है। लेकिन पद की गरिमा को बनाने के लिए विवाद फ्री काम जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वो मेरे ख्याल से तो ये है कि उनको न्यायिक जांच का आदेश खुद दे देना चाहिए, सीबीआई को दे देना चाहिए। कोई भी अगर आपको लगता है कि केंद्र की तरफ से कुछ दिक्कत हो सकता है तो आप स्वतंत्र हैं इसका निष्पक्ष जांच कराने के लिए दूसरे स्टेट की एजेंसी से, लेकिन अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए, जिसके लिए एक न्यायिक जांच जरूरी है। गोड्डा में लोग आप शादी आप भी किए तो चोरी छुपे किए, गोड्डा का लोग कह रहा है कि पार्टी तक नहीं दिए हैं, तो आप पे भी बहुत सारे लग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों के भावना रही है कि मेरी शादी में शरीक हो, उन सबका सम्मान करते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि क्योंकि शादी बहुत हड़बड़ी में हुई है और कोरोना काल में हुई है, विपरीत समय में हुई है, तो निश्चित तौर पर मेरे परिवार की परंपरा है कि सभी को इनवाइट करने का और एक भव्य आयोजन करने का। लेकिन भव्यता आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, उसी सिद्धांत को हम लोग ही पालन कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग लॉ मेकर हैं और लॉ को तोड़े। मैंने अनुमति के लिए भी कहा है, जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, मैं उनके भी इस निर्णय का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन साथ साथ जैसे ही कोरोना का संक्रमण अभी खत्म होगा, मुझे लगता है कि फरवरी में और रिलैक्सेशन मिले, तो हम लोगों ने निश्चय किया है कि अपने पैतृक आवास कोरका में एक भव्य आयोजन करके लोगों को। मुख्यमंत्री अपने इस कार्यकाल में एक साल पूरा कर चुके हैं, वो पार्टी जो है उनकी जेएमएम करीब शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय रहा एक साल। आपको कैसा लगता है ये एक साल कैसा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि एक स्लोगन चला था पांडे जी, आपको याद होगा, हिम्मत है तो हिम्मत है। मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत की हिम्मत से जनता है त्रस्त। ऐसा हिम्मत किस काम का कि जब आप एक पद का भी नौकरी का सृजन नहीं कर सकते हैं, ना रोड बना सकते हैं, ना सिंचाई की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, एक भी काम आप बताइए जो इस प्रदेश में हुआ हो। और जब हम सवाल करते हैं कि क्यों नहीं हुआ, तो कोरोना का बहाना करते हैं, ये भी आपको समय समय पे सुनने को मिलता होगा, या फिर ये कहा जाता है कि खजाना खाली है, सरकार की नीतियां खराब थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके कारण हम लोगों को ये दंड झेलना पड़ रहा है। तो ये समस्या तो हमेशा रहेगी, चाहे आप सत्ता पक्ष में रहे विपक्ष में रहे। कल की डेट में जब बीजेपी भी सत्ता में आएगी तब भी हम लोगों को खजाना भरा हुआ नहीं मिलेगा। अब आप लोग कभी नहीं आएंगे सत्ता में, ये तो विपक्ष बोल रहा है, ये तो जेएमएम बोल रहे हैं। हाँ, वो बता रहे कि जनता हमारे एक साल को मोहर लगा दिया, बोला कि इनको बेरमो में
मुंह पे कालिक पोत दिया, दुमका में कालिक पोत दिया मुंह पे, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। जनता का सर्टिफिकेट हमारे साथ है। जनता का सर्टिफिकेट तो आपको 2019 में मिल ही चुका है। जनता का सर्टिफिकेट तो आपको 2019 में मिल जितना उपचुनाव में भी मिल गया। देखिए उपचुनाव अलग है और जो सर जनता भी चाहती है कि आपको हम समय दें। चलिए एक साल का समय जनता ने आपको बोला है कि और परख सकते हैं और देख सकते हैं, ये जनता की हो सकती है मनोभाव हो, लेकिन जिस हिसाब से आपने वादे किए थे, आपने कहा था 5 लाख सरकारी नौकरियां, अब बोल रहे हैं 15,000 देंगे, वो भी सपोज है कि दे कि नहीं देंगे ये तो सोचने का विषय, लेकिन 15,000 बोल रहे हैं। आपने कहा था 7,000 प्रति माह, अब उसको 7,000 प्रति साल कर दिए हैं, फिर भी पोस्ट ग्रेजुएट को पैसा नहीं मिल रहा है। आपने कहा था 1932 का खतियान लागू करेंगे, उसके लिए आप चुप हैं। आपने कहा था 75% हम लोग बेरोजगारों को, स्थानीय युवकों को प्राइवेट कंपनी में रिजर्वेशन देंगे, उस पर आप चुप हैं। आपने कहा था 3 लाख मकान देंगे, उस पर आप चुप हैं। आपने कहा था कि 2,500 MSP कर देंगे, उस पर आप चुप हैं। और उल्टा आप बोल रहे हैं कि गीला धान, हम धान को नहीं खरीद सकते, और उसके साथ साथ आप केंद्र में जो कृषि बिल आया उसका भी विरोध कर रहे हैं। और फिर जब बात आपसे नहीं बन पाता है और आपका लगता है कि मेरे गेंद मेरे पाले से निकल रही है, तो आप कोरोना का बहाना कर देते हैं। नहीं वो तो अब उनका सुन लीजिए, आप तो अपना गिना दिए हैं। जेएमएम का आरोप है कि आप लोग विपक्ष को और सत्ता पक्ष को यहाँ पे समझाने से अच्छा होगा कि उन किसानों को समझाइए ना, जो लगातार धरने पे बैठे हुए बेचारे 12-13 किसान मर भी गए, उनको कोई समझा नहीं पा रहा। एक बात बताइए कि मुझे लगता है कि बंगाल के ममता दीदी भी इसका विरोध कर रहे हैं, जेएमएम से हेमंत सोरेन भी इसका विरोध कर रहे हैं, कितने किसान झारखंड से गए हैं दिल्ली में प्रदर्शन के लिए, कितने किसान बंगाल से गए हैं दिल्ली में प्रदर्शन करने, कोई भी नहीं जाएगा। और जो पंजाब के किसान आप कह रहे हैं कि वहां पे विरोध कर रहे हैं, वो भारतीय नहीं है क्या? वो किसान दूसरे राज्य, वो किसान पंजाब के मुद्दे, और वो किसान नहीं, वो कार्यकर्ता के तौर पर वहां पे विरोध कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा, कांग्रेस की सरकार है पंजाब में और कार्यकर्ता की तरह वो वहां पे विरोध कर रहे हैं। अगर सही मायने में कृषि बिल से नुकसान हो रहा था तो बिहार में भी आपको उसका समस्या दिखना चाहिए। बिहार में तो हम लोगों की सरकार पे मुहर लग गया, क्यों लग गया? बिहार में किसानों को बाय चांस मतलब हारते हारते आप लोग रहे तो फिर तो बेरमो में भी हम ये बोल सकते हैं और दुमका में बोल सकते हैं बाय लक बाय चांस वो लोगों जीत के, हम लोग भी नहीं अपने जीत के मार्जिन को वहाँ पे और मजबूत हार के मार्जिन को कम। तो आप किसानों को बोल तो रही है जेएमएम, हमको समझाने से बढ़िया किसान को समझाइए, किसान मान गया तो हम किस किसान को समझाए? झारखंड के किसान तो ऑलरेडी समझे हुए हैं, बिहार के किसान तो ऑलरेडी समझे हुए, बंगाल के किसान तो ऑलरेडी समझे हुए हैं, वो तो पंजाब के कार्यकर्ता है जो वहाँ पे बवाल मचा, तो उनको समझाने का क्या फायदा? आप सोए हुए आदमी को जगाइएगा, जो सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा? तो आप सरकार को बताना चाहिए ना, फिर उनको वार्ता के लिए बार बार क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया था कि आप टेबल पे आए बात कीजिए, हम आपकी सारी बातों को सुनेंगे और एक पॉजिटिव पहल करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी का यह वक्तव्य आता है तब वहां से कांग्रेस क्या बोलती है, नहीं अब तो इस बिल को एकदम ही इसमें कोई वार्ता नहीं करेंगे, जो हमारी मांग में अड़ी रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको समझना होगा कि कार्यकर्ता का विरोध करना और आम जनता और किसान का विरोध करना दोनों में फर्क है। ठीक है, आपके पार्टी के नेता पर महिला को मतलब जान से मारने का धमकी इस टाइप का लग रहा है, इसके इतर सरकार कह रही है कि झारखंड में शिबू सोरेन ने हड़िया दारू को एक तरीके से रोका था, लोगों तक नशा ना पहुंचे, उनके पुत्र ने वो तमाम झारखंड की महिलाएं जो सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचती थी, आज उनको एक सबल जीवन दिया है, एक उनको अच्छा हुनर दिया है, ये सरकार की उपलब्धि है। हमने उन मजदूरों को जो एयरपोर्ट में कभी नहीं गए उनको फ्लाइट से बुलाया, ये सरकार की उपलब्धि है। जो देश का पूरा ट्रेंड रुक चुका था, पहली बार झारखंड के मजदूरों के लिए खुला, ये उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जिस बीजेपी कहती रही है कि बार बार भ्रष्टाचारी लोगों को बचाने का संरक्षण कर रही है, उनके 5 साल के शासनकाल में जो 2 विशेष न्यायालय का गठन करना था टोटल ज़्यादा, वो 2 ही कर पाए, हम 1 साल में और 4 किए, ये हमारी उपलब्धि है। ठीक है, इनके अलावा वो कह रही है कि सबसे ज़्यादा विश्वास जनता को लगा कि इस सरकार में है और इसीलिए कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ। 1 साल में ऐसा सरकार ने कोई भी योजना या कोई भी फैसला नहीं लिया जिसका लोगों ने जमीन पर उतर कर विरोध किया हो, ये हमारी उपलब्धि है। अब हम जो लास्ट वाला पॉइंट किया वहां से चालू कर पाड़ीजिए, पीछे वाले से पॉइंट आप जहां से करें, लास्ट वाले पॉइंट से चालू करेंगे। आलोचना तब होती है जब आप काम करेंगे,
आपने कौन सा फैसला एक साल में किया? आपने एक भी फैसला ऐसा नहीं किया जिसमें आपको लोचना आलोचना या फिर आपको आपकी समीक्षा की जाए। और इरफान अंसारी ने खुद स्टेटमेंट दिया, हसन के स्टेटमेंट दिया, समीक्षा किस चीज का होता है? जब काम होता है तब तो समीक्षा होता है। तो लास्ट वाला पॉइंट जो वो बता रहे हैं कि हम लोग का कोई आलोचना हुआ, निश्चित तौर पर कोई आलोचना उसकी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया। आप सड़क बनाएंगे तभी तो टूटेगा, आप सड़क ही नहीं बटाएंगे तो आप बोलते रहिए कि भाजपा की सरकार की सड़क टूट गई, तो ऐसा नहीं होता है। आप काम करेंगे तो आपकी समीक्षा होगी, उसमें अवगुण क्या है गुण क्या है उस पर डिस्कशन होगा। आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, आपने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर दो तीन जो बनाया है। अब आप खुद देखिए कि आज की डेट में महीने दर महीने रेप की घटना हो, आपराधिक घटना हो, नक्सलवाद की घटनाओं सब में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई। सरकारी डाटा तो ये कह रहा है कि आपके शासनकाल में 11 महीने में जितना रेप हुआ था 2019 से नवंबर तक, जनवरी से नवंबर, देखिए उससे कम हुआ है इस सरकार में। 2011 का एक डिबेट चल रहा था और एक दो दिन का चल रहा था, ये बात उस समय भी आया था, मैंने बकायदा आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया था। पुलिस का ये रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट से, क्राइम स्टैटिस्टिक्स से ही मैंने निकाला था। जो नवंबर में घटनाएं थी वो दिसंबर में बढ़ी, दिसंबर की घटनाएं जनवरी में बढ़ी, फरवरी में बढ़ी, मार्च में बढ़ी और बढ़ते चली गई। ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। वो गलत आंकड़ा कर रहे हैं कि 11 महीने में आंकड़ा थी और उससे कम ही हुआ है। क्राइम का आंकड़ा हमेशा बढ़ा है नवंबर के बाद जब से इसकी सरकार बनी है। आप खुद न्यूज चैनल चलाते हैं, आपको खुद इस चीज का पता होगा कि रेप की घटनाएं संथाल पटना में क्या हो रहा है, आए दिन रेप की घटनाएं हो रही है। गोड्डा विधानसभा में जो सांत पड़ा हुआ विधानसभा, वहां रेप की घटनाएं हो रही है, लूट की घटना हो रही है, नक्सलवाद की घटना हो रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। तो पूरा प्रशासनिक तंत्र और पूरा जो इनका सिस्टम वो फेल है। नहीं, हेमंत सोरेन से बात की हमारी, उन्होंने तो साफ कहा कि पिछली सरकार मॉब लिंचिंग के आरोपियों को अपने घर बुलाकर माला पहनाती थी। क्या हमारी सरकार आरोपियों को, अपराधी को संरक्षण दे रही है पिछली सरकार की तरफ? आप जो भी घटनाएं घटी है उस पर कानून, 1000 में 998 आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपकी आपकी जो ये है इससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हेमंत सोरेन जी का ये वक्तव्य जरूर हो सकता है। उन्होंने उदाहरण साध्वी का रेप हुआ, साध्वी का रेप हुआ गोड्डा में, उसमें क्या हुआ, क्या स्पीडी ट्रायल हुआ? आपने कहा था बलात्कार के आरोपियों को स्पीडी ट्रायल लेंगे, एक भी बलात्कार का जो इंसिडेंट हुआ है पूरे झारखंड में उसमें एक भी व्यक्ति का स्पीडी ट्रायल हुआ आप हमको बता दीजिए। गोड्डा विधानसभा की मैं घटना आपको बता रहा हूँ, साध्वी के साथ रेप हुआ, कहा गया स्पीडी ट्रायल करेंगे, आज तक वहां पर स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि एक साध्वी थी, वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वो सनातन धर्म की थी। यही दूसरे का अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता तो तुरंत कोई ना कोई एक्शन हो सकता। वो तो कह रहे हैं जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं, जाति धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि कोरोना में, कोरोना का ही आप बोल रहे हैं, हिंद पीढ़ी का मामला हुआ, हिंद पीढ़ी में एक बार भी उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगा? आप रांची के निवासी हैं, आप मुझे बताएं एकदम हिंद पीढ़ी में लॉकडाउन था। मैं पेपर में सीएम ने सीआरपीएफ को डिस्प्यूट कर दिया, क्या हुआ सीआरपीएफ के साथ, डीएसपी के साथ पथराव हुआ, वैसे लोगों को अंदर जेल में डालने का काम किया हेमंत सरकार ने, पथराव हुआ कि नहीं हुआ डीएसपी के ऊपर? वैसा अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पथराव होता तो निश्चित तौर पर रघुवर दास की सरकार बिना भेदभाव किए उसको जेल के अंदर डालती। तो वही तो कह रहे हैं आप मॉब लिंचिंग में क्या किए पिछले 5 सालों में? देखिए मॉब के आरोपी जब आए तो उनको माला पहना दिया। मॉब लिंचिंग का जो मामला था, आप किसी एक व्यक्ति को अगर मार पड़ा तो उसके पीछे का भी कारण नहीं हो सकता, वो सही में अपराधी हो, सही में क्या अपराधी है कोई तो उसको कानून या समाज का ये धारा है कि उसको पीट दे। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई अपराध अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो या जेएमएम की सरकार में हो, जब एक आम जनता अपने हाथ में कानून को ले तो अराजकता की माहौल आती है और जो भी इसको प्रोत्साहन देता है वो गलत नीति का अपनाता है। तो आप मानिए कि आपकी सरकार पिछले 5 साल में गलत हुआ था, अगर जनता ही पीटती थी आप मॉब लिंचिंग नाम में, और वो गलत था ना? बिल्कुल गलत था, उसको होना चाहिए, जो न्याय संगत नियम संगत बात होनी चाहिए निश्चित तौर पर उसको होना चाहिए। हम लोग तो इसका एडवोकेट है, हम लोग की हमेशा यहाँ पर सद्भावना बनी रहे, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब अच्छे से अपना जिंदगी व्यापन करे, इसके हम लोग पक्षधर हैं। और जनता या फिर कोई भी व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल हाथ में कानून लेगा तो उस पर कानून कार्रवाई करेगी। लेकिन वही तो कह रहे हैं हेमंत सोरेन कि हम पहले पिछली सरकार में और आपकी सरकार में यही डिफरेंस है, बोले कि क्राइम तो कोई रोक नहीं पाएगा, रामराज तो आएगा नहीं। देखिए पुलिस का डर है लोगों में, बोला अपराधियों में डर है, ये पॉइंट है। और दूसरा, पहले लोग चेहरा और नेम प्लेट देख के अपराधी के घर जाते थे, अब वैसा कुछ नहीं। आप एक बात बताइए कि पुलिस का डर है, अपराधी का डर है, डीएसपी का लिस्ट निकला था, एसडीपीओ का ट्रांसफर हुआ था,
उसके बाद उस लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया, फिर उसके बाद पुनः एक लिस्ट निकाला, संशोधित लिस्ट निकाला गया था। यह 3 महीने पहले की घटना थी। ऐसी घटना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी नहीं हुई थी। इसलिए इससे आम जनता को क्या लेना देना था? इसके पीछे का लॉजिक आप समझिए कि डीएसपी का अगर ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, पुनः उसको संशोधित लिस्ट करके भेज दिया जाता है, जो जनता की आवाज है कि आज भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा में है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग चढ़ावा चढ़ाने के बाद ही होता है, और जब चढ़ावा नहीं चढ़ता तो ऐसे लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है। और जब आप चढ़ावा लेंगे, वो जब डीएसपी या एसपी या बीडीओ या सीओ अपने क्षेत्र में जाएगा, निश्चित तौर पर वो रिकवर करेगा पैसा को, वो आम जनता का गर्दन पकड़ेगा। आप मुझे बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी मंत्री, एक भी सांसद के ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप लगा हो? जब आरोप ही नहीं लगा। आप बार बार बोल रहे हैं कि व्हाइट पेपर निकाल के सब चीज बेनकाब कर देंगे। आपने तो व्हाइट पेपर निकाल दिया, श्वेत पत्र आपने निकाला था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, क्यों नहीं एक भी मंत्री और सांसद का? आपने बोले अपने टाइम में जांच ही नहीं कराया, वो तो लगातार बोल रहा है। ये किसकी सरकार है? आप जितना जांच कराना अभी कराइए, आपको जितने लोगों का जांच कराना आप कराइए, कुछ निकल के आएगा तब तो आप जांच कराएंगे। आप तो सिर्फ बोल रहे हैं, आप तो भाषण दे रहे हैं। आप अपना जामा का रोड तो ठीक कराइए, दुमका का रोड तो ठीक करवाइए पहले। आप अपने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था तो ठीक कीजिए। आप छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश को, आप दुमका के भी विधायक रहे, आप वहां पे बढ़ेर के भी विधायक हैं, आप रामगढ़ का रोड ही ठीक करा दीजिए, आप बढ़ेर का रोड ठीक करा दीजिए। जब आप रोड ठीक नहीं करा पा रहे हैं, काम नहीं करा पा रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए। आप तो ऐसे फिर वो भी तो कह सकती है ना जेएमएम कि आपका एनएचएआई का मामला आपके है, कोडरमा में जज साहब की गाड़ी टकरा गई रोड खराब होने के चलते, जज साहब ने उस पर संज्ञान लिया, मोदी जी नहीं आके रोड बना रहे। वो तो कह रहे हैं कि एक साल में कोरोना काल था, मजदूर नहीं मिलते और ऑर्डर भी नहीं था कि मजदूरों को लगा के सड़क बनाए। अब वो काम देखेंगे। मैं आपको उसका उदाहरण दे रहा हूँ, एनएच का टेंडर, गोड्डा का एक उदाहरण दे रहा हूँ। गोड्डा में एनएच है 133 का टेंडर दिसंबर में हुआ, मेरे चीखने चिल्लाने के बाद उसका रीटेंडर जनवरी में हुआ। क्यों लटका के रखा था? इसलिए लटका के रखा था क्योंकि सरकार को उस समय काम नहीं कराना था। फिर मैंने जब उसका कराया, एग्रीमेंट करा दिया, आज ठेकेदार को काम करने नहीं दे रहा है वहां पे, इसलिए नहीं दे रहा है कि हम लोग रेट रिवाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। केंद्र का पैसा है, केंद्र का पैसा यहाँ से सड़ रहा है, उसका आप काम नहीं करा पा रहे। जामा में जो सड़क दुर्घटना हुई थी, जीएसटी का पैसा क्यों नहीं? जो जामा में पहले पाटिल जी तो सुन तो लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जामा में जब आपका सड़क दुर्घटना हुआ था, जो जामा का सड़क पे हुआ था, उसका पैसा केंद्र का पैसा यहाँ के रखा हुआ है, आप काम नहीं करा पा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों को आपने एसओआर के नाम पर रोक के रखा, बोल रहे हैं रेट रिवाइज करेंगे। रेट इसलिए रिवाइज करेंगे क्योंकि कमीशन होना है, कमीशन नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो रहा। ये तो यहाँ पे दुर्दशा है। वो तो बोल रहे एसीपी सबसे ज्यादा हम लोग भ्रष्टाचारी को, चाहे सीओ लेवल तक का वीडियो सबको अरेस्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ बोलने से नहीं होता ना, एक भी उदाहरण पेश करेंगे बीजेपी। सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप इसी चीज का जांच करा लीजिए कि डीएसपी का लिस्ट एक बार जब बनता है तो दूसरी बार फिर से क्यों संशोधित होकर जा रहा है? कोई डीएसपी आके आपको कहा कि हमसे पैसा लिए हैं सीएम ट्रांसफर करने के लिए? अगर या सार्वजनिक रूप से बयान जाने किया, आप जनता के बीच में जाके देखेंगे और ब्लॉक जाके देखेंगे, या फिर आप कहीं भी पंचायत स्तर पर जाके देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा और फील होगा कि जनता त्रस्त है। पंचायती चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको पैसे का रोना आप रो रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होगा तो उसके साथ साथ आपको 15वें और 16वें का तो पैसा आएगा। अब उस पैसा को क्यों नहीं लेना चाहते? आप जेएम तो ऐसा सवाल कर रहे हैं कि हमको जेएमएम बन के प्रवक्ता आपको जब मिला विपक्ष का दर्जा, तो आपके पूरे इतने विधायक में से एक भी आपको काबिल नहीं लगा। आप जाके बाहर के एक आदमी को, बाबूलाल मरांडी को बुलाए और उनको बना दिए, तो जब वो मामला न्यायालय में है ऑलरेडी कि नेता प्रतिपक्ष का, तो कैसे कोई चुनाव करा पाएगा? सूचना आयुक्त का ये कर पाएगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि सीएम इरफान अंसारी को होना चाहिए। मेरे कहने पे क्या सीएम बन जाएगा? ये तो गठबंधन, महागठबंधन का फैसला है कि उन्होंने हेमंत सोरेन जी को अपना नेता चुना है। वैसे ये भाजपा का लिबर्टी है कि हम लोग किसको चुने नहीं। हाँ, तो हम चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जैसे अनुभवी नेता हम लोगों के पास रहेंगे तो हम लोगों को ज्यादा मजबूती है। तो हम लोग का इंटरनल मामला है, तो वो न्यायालय में जब फैसला होगा तब हल बदल का। और आपको अगर
पंचायती चुनाव नहीं कराना है तो आप बहुत बहाना दे सकते हैं। अगर आपको पंचायती चुनाव करा कर सच में यहाँ विकास करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको कराने के लिए। और आप इसलिए नहीं कराना चाह रहे हैं क्योंकि आप कंट्रोल को बीडीओ सीओ के माध्यम से ग्रामीण विकास में रखना चाह रहे हैं, उनको आप मुखिया तक देना नहीं चाह रहे, जिला परिषद को देना नहीं चाह रहे, ताकि फिर आपका जो कोरोना काल में जो आपको धन का समस्या हो उसका निदान कैसे होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। तो वो तो कह रहे हैं जीएसटी का पैसा खा गए आप लोग। देखिए जीएसटी का पैसा कभी भी केंद्र ने कहा है कि हम नहीं देंगे, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर मिलेगा। जीएसटी लोन लेना पड़ा है झारखंड सरकार को, कर रही है ये इकोनॉमिक साइकिल है कि आप झारखंड सरकार को अगर इतना पैसे की है कि हम क्राइसिस में हैं तो वो लोन ले लिए तो भाजपा की सरकार भी तो कह रही मेरा पैसा आप रख लीजिएगा। अच्छा, हमको जब मानने जाएंगे कि मेरा पैसा दो तो कहेंगे ना बैंक से लोन ले लो, ये कौन सा बड़ा नेचुरल जस्टिस। हेमंत सोरेन जी ने ये कभी बताया कि सिर्फ ये गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं, भाजपा शासित राज्यों में जीएसटी का पैसा नहीं गया? वो कहीं भी हो रहा है वो तो अपने राज्य से मतलब है ना, वो तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ये कहना कि हम लोग विपक्ष में इसलिए हम लोगों को पैसा मिल रहा है तो गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये पूरे देश में किसी को नहीं मिला और जब सबको मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। और केंद्र सरकार ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम नहीं देंगे, केंद्र सरकार ने कहा कि हम अपने रेवेन्यू को और दुरुस्त करेंगे और जब हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में होगा निश्चित तौर पर देंगे। आपने आपने एक बात बताइए कि आपने इतना सब आपने रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे क्या किया? आपने रेवेन्यू कलेक्शन के नाम पे एक भी काम यहाँ पे नहीं किया जिससे आपका इंटरनल जो रिसोर्स है वो मजबूत हो। आपने यहाँ पर कैपिटल बनाया नहीं है, आपने यहाँ पर काम किया नहीं है। आपने एक और बात कहा था कि कोरोना में हम लोगों ने प्लेन से मंगवाया, हम लोगों ने ट्रेन से मंगवाया, आपकी मंगवानी आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये कोई एहसान नहीं किया है। आपने आज एम्प्लॉयमेंट उतने लोग जो यहाँ पे आए फिर आपने उसका रिवर्स जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? आपने कह दिया कि यहाँ पे मनरेगा से हम काम देंगे, आपका मनरेगा फेल रहा, इसका मतलब फिर वो वापस जा रहा है, इसका मतलब आंकड़ा कह रहा है कि 10.5 लाख लोगों ने कोरोना काल के दौरान जब से मनरेगा का काम शुरू हुआ 10.5 लाख मनरेगा को एक महीना से मनरेगा कर्मी हड़ताल में ही थे। मनरेगा में तो काम कहाँ से मिलेगा? बोकारो का स्थिति तो और दयनीय हो जाता, चढ़ावा चढ़ाने के बाद ही वहां से भुगतान हो रहा है। स्थिति तो ये है कि काम भी कर रहे हैं लोग, उसको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। आप आंकड़ों में तो कुछ भी कह सकते हैं और भाषण तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। वो तो जयमेम कह रही है कि बीजेपी को भी समझना चाहिए, पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री एकदम असंगठित मजदूरों को भेजने के लिए स्वयं खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आएगी, पहले हमसे बात करेगी, मजदूर कहाँ रहेगा, कैसे सोएगा, क्या खाएगा, ये कैसे उसकी ये सारी जानकारी लेने के बाद मजदूर जा रहे हैं। और बीजेपी क्या करती है? कुछ नहीं। आपने ऐसा व्यवस्था झारखंड में आए मजदूरों के लिए किया? आप जो यहाँ से जा रहे हैं उसकी व्यवस्था की आपको बहुत चिंता हो? दीदी किचन वगैरह सारा दीदी किचन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, जेएसएलपीएस में खासकर वो लोग उंगली उठा रहे हैं कि जेएसएलपीएस ऐसी कौन सी संस्था है और कितना खर्च की इसका ब्यौरा मुख्यमंत्री को दे। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दीदी किचन में हुआ है, एक दो वक्त का खाना का हिसाब देके वो एक वक्त का खाना खिलाए उस वही नहीं। पांडे जी मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में जितने भी लोग यहाँ पे एडमिट हुए हैं कोविड सेंटर में, आपके पास भी न्यूज आया होगा, कोरोना का नाम पे भर्ती कर दिया है, 14 दिन का पेमेंट टूट गया है, 3 दिन में रिलीज कर दिया, बाकी 8-10 दिन का पैसा कहाँ गया? मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन दिया, सरकार के पास उत्तर नहीं है इस चीज का। 3 कैटेगरी में पेशेंट्स को बांटना था, जो 10 दिन के लिए हो सकते हैं, जो 5 दिन के लिए हो सकते हैं, 15 दिन के लिए, कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया गया। फ्लैट 15 दिन का बेड का जितना भी पैसा आता है वो सब विभाग खा गई है, 3 दिन में रिलीज कर दिया जाता है व्यक्ति को, 2 दिन में रिलीज कर दिया जाता है, फिर बोलते हैं कि इसको कोरोना भी नहीं था। पैसा कहाँ गया? ये तो पैसा कमाने का और पैसा को संगठित करने का संग्रह करने का एक जरिया कोरोना के संक्रमण काल में इनको मिला है। मीडिया के पास एक भी डेटा नहीं जिससे ट्रांसपेरेंसी हो जाए सरकार के कामों को लेकर, इसलिए नहीं है क्योंकि मीडिया के पास जब ये सब आंकड़ा आएगा तो मीडिया सवाल उठेगी, सवाल करें। एक भी डीसी आज अपने जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सरकार वहां के पत्रकार जवाब मांगेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। तो ये तो स्थिति है कोरोना का। और जो मजदूर यहाँ आए हैं पलायन करके उसको यहाँ पे कैसे रोजगार देंगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसको आप रोजगार देखिए 5 लाख सरकारी नौकरियां आपने जो कहा है, प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दी हैं पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे लोगों के पास संसाधन है काम करने के लिए। अडानी में आप 75% युवाओं को वहाँ घुसा देंगे अडानी में तो फिर गुड्डा की समस्या ही खत्म हो जाएगी। वैसे ही आपके पास जबला प्लांट है, आज वो बिक गया जबला प्लांट, आप उसको फिर से खड़ा कर दीजिए, पलामू में जाएंगे तो वहाँ पे नौकरियों का सृजन हो जाएगा। तो नौकरियां सृजन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप भाषण दे रहे हैं, आप 5 लाख नौकरियां बोल तो रहे हैं एक साल में दे देंगे, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। 15,000 आ गया 5 लाख से आंकड़ा।
आने वाले दिन में वो 10 भी नहीं रहेगा। ठीक है, हम एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, तब तो सर एक साल पे बात करना सरकार का बेईमानी हो जा रहा है। आपने कुछ किया होगा तब तो हम उसकी समस्या करें। अच्छा ठीक है, एक बात काम ऐसा बता दीजिए, उपलब्धि तो बताएंगे तो आप नहीं बताइएगा, ठीक है, आप एक काम ऐसा ही बता दीजिए जो आपको लग रहा है कि सबसे खराब काम किया है इस हेमंत सरकार ने एक साल में। नहीं, एक साल में कोई एक फैसला नहीं, सबसे खराब काम तो खैर उसकी तो लिस्ट बहुत ज्यादा है, एक भी बता दीजिए। अब बुरा में सबसे बुरा तो नहीं ना खोज सकते, सभी बुरा है, सभी बुरा है या फिर बहुत अच्छा है काम केवल सभी अच्छा है, वो बहुत खराब और खराब वाला पैरामीटर नहीं। बात यह है कि सबसे खराब काम, अगर आप सही मायने में बोलेगा सबसे खराब काम जो जेएमएम की सरकार ने कहा है कि सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा गलत अफवाह उड़ा के सत्ता में आकर जो झूठ और जो प्रोपेगेंडा सरकार ने फैलाया है, सब जनता को दिग्भ्रमित किया, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खराब काम जनता के समक्ष हेमंत सरकार ने किया। अच्छा, एक काम जो सरकार को आपको अच्छा लगा, आपको मन किया हुआ अप्रिशिएट करें, वाकई में हर विपक्ष में होता है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे और हम लोग क्रिटिकल एक उसका एनालिसिस करें कि क्या अच्छा हुआ क्या और अच्छा हो सकता है। एक भी काम एक साल में अच्छा नहीं हुआ। देखिए मुख्यमंत्री जी एज ए पर्सन, जब अगर रेलवे स्टेशन में जाकर वहां के मजदूरों को गुलदस्ता देकर, बुके देकर, खाना देकर अगर आमंत्रित करते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब देने का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ होता है, और फिर लगता है लोगों को कि एक माहौल बनेगा जिसमें जो मजदूर वापस आएंगे उसको यहाँ पे नौकरियां मिलेगी। तो आपने एक अच्छा काम किया है, नो डाउट कि आप एक एज ए गुड जेस्चर वहां गए हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप टाइम टाइम फिस हो जाते हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं करते हैं, बस आपका काम मीडिया तक ही सीमित हो जाए और पेपर तक ही सीमित हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि आपकी जो सोच है वो सिर्फ पेपर तक ही सीमित है, उसको धरातल पे आप उतारना नहीं चाहते। और वर्तमान की सरकार का यही आरोप है कि पिछली सरकार सिर्फ मीडिया वालों को ही पैसा और बैनर पोस्टर में खर्चा की, इसी वजह से ना तो धरातल पे उनका विकास कार्य दिखा और जनता ने भी उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। एक साल में हम दोनों की चर्चा में कितनी बात सच्चाई है, कितना अधूरा रह गया हमारा चर्चा, उसका विश्लेषण आप कीजिए। लेकिन एक साल के कार्यकाल में आपकी और हमारी सरकार कैसा काम की, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। अगर आपको कोई भी हेमंत सरकार का फैसला बहुत अच्छा लगा हो उसके बारे में भी लिखिए, अगर हेमंत सरकार का कोई भी फैसला इस एक साल में आपको बहुत बुरा लगा हो तो उसके बारे में भी जरूर लिखिए। आज का हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर देते हैं। आप सबको इतना लंबा इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in